तो फाइनली भाई 10वीं का रिजल्ट आ गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभिषेक बच्चन स्टार है 10वीं मूवी की, जो कि OTT पर रिलीज कर दिया गया है। इसको आप नेटफ्लिक्स और जी के ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। तो यह दर्शकों के बीच पास हुआ है या फेल, इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करेंगे। कैसे हो मेरे भाई, मेरा नाम है प्रकाश और आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी फैंस पर। तो आज मैं ही रिव्यू करने वाला हूँ 10वीं मूवी की। तो भाई 10वीं मूवी रिलीज कर दिया गया है। इसके कास्ट की बात करें तो अभिषेक बच्चन, यामी गौतम, निमृत कौर, ये सारे कलाकार इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसकी स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के ऊपर बेस्ड है, रियल टॉपिक पर बेस्ड है, लेकिन पूरी तरह से मुझे नहीं पता कि इसको यह सही है कि नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के ऊपर बेस्ड है, जो कि जेल में रहते हुए 10वीं की परीक्षा देते हैं, ऐसा इस फिल्म में दिखाया गया है। उसका किरदार अभिषेक बच्चन ने निभाया है। यामी गौतम भी इसमें नजर आ रही है। यामी गौतम जो कि पुलिस वाली है, वो अभिषेक बच्चन को कुछ बोल देती हैं जिससे इनको युगों पर ठेस पहुंचता है। और यह एक स्वाभिमानी व्यक्ति है, यह झुकने वालों में से नहीं है। तो उन्होंने प्रण ले लेते हैं कि अब वो 10वीं की परीक्षा देंगे ही, जब तक वो परीक्षा नहीं देंगे वो CM की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। तो यही इस फिल्म की मूल स्टोरी है, इसी स्टोरी को लेकर यह फिल्म आगे बढ़ती है। तो ओवरऑल बात करें कास्ट की परफॉर्मेंस की, तो सारे कलाकारों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। अभिषेक बच्चन का काम काफ़ी ज़बरदस्त है, उनकी एक्टिंग के लिए ही मैंने यह फिल्म देखी है और उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगा। यामी गौतम का काम भी अच्छा है, निमृत कौर ने भी अच्छा काम किया है, उनका रोल भी बहुत पसंद आया। मुझे लगता है कि अभिषेक बच्चन जिनको लोग फ्लॉप एक्टर समझते थे, लॉकडाउन के बाद उनमें अचानक से कुछ चेंज आया है और लॉकडाउन में OTT का सहारा लेकर उन्होंने जिस तरह से अपनी एक्टिंग दिखाई है, सच में कमाल का है। मुझे लगता है कि लॉकडाउन में किसी का फायदा हुआ है तो अभिषेक बच्चन का हुआ है, वो सडनली एक अलग अभिषेक बच्चन के रूप में हमें देखने को मिला है। और मेरा यह मानना है कि एक्टर बुरा नहीं होता, स्टोरी और उस तरह का डायरेक्शन जो होता है ना, फिल्म को अच्छा या बुरा बनाता है। उदाहरण के तौर पर यही मान लीजिए कि अर्जुन कपूर, जिनको आज के डेट में बहुत बड़ा फ्लॉप एक्टर घोषित कर दिया गया है या मानते हैं लोग, लेकिन उनकी पहली फिल्म जो आई थी इशक जादे, वो काफ़ी अच्छा हिट हुआ था, उस फिल्म में उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी लगी थी। और सबसे बड़ा नाम सलमान खान, जिनको कौन नहीं जानता है, और वो इतने बड़े एक्टर हैं, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी, लेकिन उनकी एक्टिंग के बारे में लोग भला बुरा कहते हैं। बॉलीवुड में ऐसा कोई भी इतना बड़ा एक्टर नहीं है जो कि उतना ज़्यादा ब्लॉकबस्टर जितना सलमान खान ने दिया है नहीं दे पाया है। अगर आपको मेरे बातों पर विश्वास नहीं है तो आपके पास गूगल है, इंटरनेट है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर किसी के नाम है तो सलमान खान के नाम पर है। उनकी पिछली फिल्म को देखा जाए वांटेड, दबंग, रेडी, बॉडीगार्ड और मैंने प्यार किया, यानी कितनी अनगिनत फिल्में उन्होंने सुपरहिट दी है और उनकी एक्टिंग भी अच्छी लगी है। तो अच्छी स्टोरी सुल्तान जैसी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना देती है। मैं समझता हूँ कि फिल्म का चयन करना भी काफ़ी अच्छी बात होती है। वही उदाहरण अभिषेक बच्चन के साथ भी हमें देखने को मिला है, उनका सिलेक्शन इन दोनों काफ़ी अच्छी तरीके का स्टोरी पर है, तो वो अच्छे स्टोरी को पिक कर रहे हैं, इस कारण से उनकी एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। 10वीं फिल्म का ट्रेलर मुझे काफ़ी पसंद आया था और इसको मैं देखने के लिए एक्साइटेड था, खासकर अभिषेक बच्चन के बोले हुए डायलॉग। लेकिन मैं थोड़ा सा निराश हूँ क्योंकि इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी स्टोरी को लेकर एक साधारण सी पिक्चर हमारे सामने रख दी गई है। इस फिल्म का डायरेक्शन काफ़ी साधारण है और यह जितना आपने ट्रेलर में इस फिल्म के डायलॉग सुने होंगे वही सारे चीज़ें इस फिल्म में देखने लायक है और जो कि आपने ट्रेलर में पहले ही देख चुका है। तो यह एक बहुत ही एवरेज फिल्म निकल के आई है, इसका डायरेक्शन बहुत ही एवरेज है। फिल्म के साथ बहुत अच्छा काम किया जा सकता था, यह एक ज़बरदस्त फिल्म बन सकती थी। ओवरऑल बात करें पूरी फिल्म की तो यह एक टाइम पास साधारण देखने लायक फिल्म है, इसको देखते हुए आप बोर नहीं महसूस करते हैं। जितना इस फिल्म में CM साहब ने नंबर मैट्रिक में लाया था, 10वीं बोर्ड में लाया था, उतना ही रेटिंग मैं इस फिल्म को भी देना चाहूँगा। मैं इस फिल्म को 10 में से 5.7 की रेटिंग देता हूँ। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपका कोई भी सुझाव है तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।